चिल्ड्रन आपसे वादा कर रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज ही लड्डू बांट दोगे, मिठाई बांट दोगे, क्योंकि खबर ही इतनी जबरदस्त निकल के आई है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। जिन बच्चों को डर लग रहा था मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, मैं पास हो पाऊँगा, फेल हो पाऊँगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख के लेके आ गया हूँ। तो एक सेकेंड के लिए भी वीडियो को मिस मत करना, अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और चिल्ड्रन आगे बढ़ूँ उससे पहले बताऊँ, हमारे साथ टेलीग्राम पे 5000 से ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स, 5000 से ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया से जुड़ गए हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, भाई लोगों ज्वाइन कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो englishbaba.eb, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो पूरी बात क्या है सर, क्यों आज आप इतना एक्साइटेड हो वो हमको बता दो। तो भाई साहब देखो, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनका फीडबैक आ गया है, और वो ये बता रहे हैं कि सब बच्चों को कॉपी चेकिंग करते वक्त हम अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, और CBSE पूरी कोशिश कर रही है कि आपका रिजल्ट बढ़िया आए। अब जो आपको मैं बात बताने वाला हूँ, पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक जो एवरेज निकल के आया है, एग्जामिनर का ये कहना है कि अगर हमने ऑन एन एवरेज 100 कॉपीज चेक की हैं तो उसमें से 2 या 3 ही कॉपी ऐसी होंगी जो बच्चा फेल नहीं हो रहा, वो उसको भी हम कंपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं, फेल नहीं कर रहे। कंपार्टमेंट का मतलब है कि उस बच्चे को दूसरा चांस मिले, एक बार दोबारा एग्जाम लिखने का चांस मिले और वो बच्चा पास हो जाए। चिल्ड्रन मैं आगे बढ़ूं, दोबारा बता रहा हूं, क्लास 12th वाले बच्चे CUET की तैयारी कर रहे होंगे, IIT नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, 10th वाले अब 11th में आएंगे, 12th में आएंगे। एक ऐप बता रहा हूँ, स्टडी ऐप है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देगा, रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देगा। डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, अभी जाओ और अभी डाउनलोड कर लो। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा 60 सेकंड्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप शहर में बैठे हो, किसी गांव में बैठे हो, छोटी जगह पर बैठे हो, अभी जाओ और अभी डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो क्या है वो ऐसी बात, 2-3 बात तो मैंने बता दी, एक और बात मैं अब आपको बता रहा हूँ। CBSE की जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर्स, उनको कहना है कि अगर कोई बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था, वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिख पाया, लेकिन उसने मेन कुछ पॉइंट्स लिख दिए, कीवर्ड्स लिख दिए, इस बात के भी उसको हम नंबर दे रहे हैं। CBSE ने जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, CBSE ये चाहती थी कि बच्चे रटे ना, रट्टू तोता ना बने। अब उस केस में अगर आपने अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आपने कुछ उसका आंसर दिया, आपने सोचने की कोशिश की है, एफर्ट डालने की कोशिश की है, इस बात के भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर जो बोनस मार्क्स हैं वो कब मिलते हैं। देखो भैया, कोई यूट्यूबर कुछ भी कहता रहे, मेरा काम है आपको असली बात बताना। अगर CBSE के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जब कोई गलती होती है, पेपर प्रिंटिंग कोई गलती हो जाए, जैसे ऑप्शन दिया ABCD, उसमें कुछ गलती हो जाए, उस केस में CBSE ये नहीं देखती कि आपने सही किया गलत किया, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि जो भी बच्चे 5-6 नंबर से फेल हो रहे हैं उनको CBSE ग्रेस मार्क्स दे रही है, क्लियर है। पासिंग क्राइटेरिया आपको पता ही है, 12th वालों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना है मिला के, ठीक है, अलग थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में, और 10th वालों के पास ये एडवांटेज है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में या असेसमेंट में दोनों में मिला के पास होना है। लेकिन एक थोड़ी सी बुरी खबर भी है, बुरी खबर ये है, ये तो सच है कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ टॉपर्स हैं वो भी इस बार कम आ रहे हैं। और इसका रीज़न ये ही है कि भाई साहब 2 साल बाद बच्चा पेपर देने आया, पेपर CBSE ने जरूरत से ज़्यादा हार्ड बनाया। आप मेरे कमेंट्स में देख लेना, इस वाले बच्चे में भी बता देना, तुम लोगों ने अगर इस साल 10th या 12th का पेपर दिया है तो दिल पे हाथ रख के बता देना मुझे कमेंट करके, पेपर हार्ड था या नहीं था। और भाई साहब SAT 2 और 3 वाले तो ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो अगर एक बच्चा कहे, 2 बच्चा कहे 3 बच्चे कहे तो मैं ये भी मान लूं कि बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन सारे बच्चे कह रहे हैं SAT 2 SAT 3 हार्ड थे, SAT 2 SAT 3 हार्ड थे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर मेरी इस बात से अग्री हो, ठीक है, अगर तुम्हें भी ऐसा लगा था तो। चिल्ड्रन एक ऐप का लिंक बताया था, हर क्वेश्चन का आंसर आपको 60 सेकंड्स के अंदर मिलेगा, CBSE रिजल्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, अभी जाओ और डाउनलोड कर लो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं, बाय बाय।